हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास 10 इंग्लिश। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेम रिचर्ड्स कॉलेज रूममेट, यानी जो रिचर्ड था उसके कॉलेज के जो रूममेट का क्या नाम था? आंसर है जॉन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड रिचर्ड्स डैड डू, जो रिचर्ड के पापा थे वो क्या करते थे? आंसर है ही वॉज डेड, वो पहले से मर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3, नेम इब्राइट सोशल साइंस टीचर, इब्राइट के सोशल साइंस टीचर का क्या नाम था? आंसर है मिस्टर वेरर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मनी गोल्ड स्पॉट वर देयर ऑन अ मोनार्च पोपा, मोनार्च पोपा में कितने गोल्ड स्पॉट थे? आंसर है 12। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच क्लास वॉज इब्राइट व्हेन ही लॉस्ट एट द कंट्री साइंस फेयर, यानी कौन से क्लास में जो इब्राइट था वो अपना कंट्री साइंस फेयर को लॉस्ट किया था, मतलब कि नहीं जा पाया था? आंसर है 7 स्टैंडर्ड, जब वो क्लास 7 में था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च डिड इब्राइट डू, मतलब क्या रिसर्च करता था इब्राइट? आंसर है वर्किंग ऑफ ए DNA। क्वेश्चन नंबर 7, ही वॉज एन एक्सीलेंट ऑल ऑफ द अबव डिबेटर साइंटिस्ट फोटोग्राफर, जो इब्राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, हु डिड ही राइट टू गेट एन आइडिया फॉर अ रियल साइंस एक्सपेरिमेंट, यानी कहाँ से वो या किसने आइडिया दिया, ठीक है, जो रियल साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए? आंसर है डॉक्टर फेडरिक ए उर्काहार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच बटरफ्लाइज वर नॉट इटन बाई बर्ड्स, कौन से ऐसे बटरफ्लाई है जो चिड़िया नहीं खाती हैं? आंसर है मोनार्च। क्वेश्चन नंबर 10, ही ट्राई टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेटिस, कौन? कैटरपिलर, ठीक है, वो बिना बीज के, मैं छोटे छोटे बच्चों के बिना वो कैटरपिलर को बड़ा करना चाहता था इब्राइट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड ही कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, वो जब बच्चा था तो उस समय में क्या कलेक्ट करता था? आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्या चीज़ कलेक्ट करता था? क्वाइन सिक्के कलेक्ट करता था, रॉक्स कलेक्ट करता था और बटरफ्लाइज भी कलेक्ट करता था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डिड ही फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज कॉमन अमॉन्ग कैटरपिलर्स, यानी कब उसने पाया कि जो कैटरपिलर की जो डिजीज होती है वो कॉमन है, ठीक है? आंसर है इन 8th ग्रेड, यानी जब वो 8वीं क्लास में था। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मनी स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज हैड ही कलेक्टेड टिल द 2nd ग्रेड, यानी 2nd ग्रेड तक आते थे वो कितने तितलियों को पकड़ा हुआ था? आंसर है 25। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज ही फॉन्ड ऑफ इन हिज चाइल्डहुड, वो जब बच्चा था तो उसको क्या शौकीन था उस समय? आंसर है कलेक्टिंग थिंग्स, कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना। क्वेश्चन नंबर 15, इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ अ साइंस टू हिम, यानी किस चीज़ को लेकर वो फैसिनेट था? बटरफ्लाइज को लेकर। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाइज, इनमें से कौन है लाइफ साइकिल बटरफ्लाइज का? ऑल ऑफ द अबव, सब है, ठीक है। पहला एग होता है, उसके बाद से कैटरपिलर होते हैं, उसके बाद से पपा होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एट व्हाट ग्रेड डिड रिचर्ड गेट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, यानी किस उम्र में, यानी किस ग्रेड में रिचर्ड को पता चला कि हाँ कि ये रियल साइंस है? आंसर है 7th ग्रेड, यानी जब 7वीं क्लास में था। क्वेश्चन नंबर 18, इब्राइट इज एन एक्सपर्ट ऑल ऑफ द अबव, इब्राइट जो था किस चीज़ में एक्सपर्ट था? साइंटिस्ट था, डिबेटर था एंड फोटोग्राफर में भी था। क्वेश्चन नंबर 19, विच बुक डिड इब्राइट मदर्स गिफ्ट हिम टू, यानी इब्राइट की जो मम्मी थी उन्होंने इब्राइट को कौन से बुक दी थी? आंसर है ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ बटरफ्लाइज, इनमें से कौन बटरफ्लाइज की टाइप है? बोथ ए एंड बी, विसरी एंड मोनार्च, दोनों टाइप हैं अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 21, इब्राइट ट्राई टू ग्रो कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ, यानी इब्राइट जो था वो कैटरपिलर को बढ़ाना चाहता था, मतलब बड़ा करना चाहता था, किसके प्रेजेंस में? बेटिस के प्रेजेंट में छोटे छोटे जो होते हैं ना, छोटे छोटे बीज के प्रेजेंट में। क्वेश्चन 22, हु इनकरेज्ड इब्राइट इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, कौन इब्राइट को इनकरेज किया कि हाँ तुम्हें इसी क्षेत्र में पढ़ना चाहिए। आंसर है हिज मदर, उनकी मम्मी ने। क्वेश्चन नंबर 23, रिचर्ड एच एब्राइट वॉज फेमस, किस लिए फेमस थे? साइंटिस्ट थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ओके, सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब